नमस्ते देवी और देवता, कोरोना वायरस हो सकता है आपके पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में भी, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन कोरोना एंटी कोरोना एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। हमारे एप्लीकेशन iOS, मैक एंड एंड्रॉइड के लिए उपलब्ध है। तो भैया क्या हो रहा है ये? मतलब कोरोना वायरस नहीं हो गया, ये मजाक हो गया। मतलब सब मतलब क्या क्या चीज फैल रहे हैं। और भैया कोरोना वायरस मतलब बताया जा रहा है आपके कंप्यूटर मोबाइल में भी है, और उसके लिए एंटीवायरस निकल चुका है, और दोस्तों लाखों में डाउनलोड हो रहा है उसका। लोग मतलब पागल बन रहे हैं कि मतलब पता नहीं, और वो एंटीवायरस पेड है, लोग खरीद के मतलब डर के मारे इतना डर चुके हैं कि खरीद रहे हैं, मतलब क्या बताएं। और ठीक है दोस्तों, इसका मेन जो है मतलब एक्चुअल बताया कुछ और गया था, मतलब बोलता है ना तिल का ताल बना देना, तो बताया कुछ और गया था, लोग समझ कुछ और गए और फायदा कोई और ले गया। ठीक है दोस्तों, कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहेंगे, तो इस वीडियो को हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिए और याद रखिए चीज़ जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत उपकारी या फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये जो मतलब मुद्दा मतलब फैल रहा है कि कोरोना वायरस पीसी, लैपटॉप, मोबाइल में है, तो क्या है एक्चुअल जो है मैटर। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेन इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, ट्रेनिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ, 100% ट्रू एक्यूरेट के साथ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं कोरोना वायरस की। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या होता है कि सभी को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे हैं, जरूर उस आई बटन में दे रहे हैं, जरूर उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दो वीडियो बना चुके, ये तीसरा बन रहा है कोरोना वायरस के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे मतलब तिल का ताल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि कोरोना वायरस आपके मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में घुस चुका है। ठीक है, आपको अगर इससे बचना है तो एक एंटीवायरस को खरीद कर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर एंटीवायरस को रन करना पड़ेगा, फिर कोरोना वायरस आपके पीसी, लैपटॉप से जाएगा, ऐसा ऐड चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे फेक और जालसाज चीज में मत फंसे, क्योंकि कोरोना वायरस इंसान को अटैक करता है, ना कि कंप्यूटर को। ठीक है, कोई ये कोड नहीं है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को अटैक करे, कंप्यूटर को करप्ट कर दे। ठीक है, उसके लिए आप एंटीवायरस डाउनलोड करो, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब के चक्कर में मत फंसिए। हाँ, क्या हो सकता है, आपके फोन में हो सकता है। फोन में कैसे हो सकता है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, या फिर ये कोई कोड नहीं है। ठीक है, फोन में कैसे हो सकता है, हम लोग घूमते या फिर बाहर तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि कोरोना वायरस अगर किसी में है, ठीक है, वो व्यक्ति अगर किसी चीज़ को अगर टच करे या फिर कोई भी चीज़ को टच करे, तो उसमें कोरोना वायरस रह सकता है। ठीक है, शायद वो किसी पोल को या फिर किसी भी चीज़ को, किसी रेलिंग को वो टच करके गया। ठीक है, तो रिसर्च से ये पता चला है कि रेलिंग को टच करके उसमें अगर कोरोना वायरस लगा है, ठीक है, गया है, तो वो वहाँ पे 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, उस रेलिंग में, और उसको अगर कोई टच करता है तो उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो अगर वो उसको टच करता है, तो हम लोग सब कुछ अपने हाथ को वॉश करते हैं, सब कुछ को वॉश करते हैं, लेकिन फ़ोन को कभी वॉश करते हैं क्या? नहीं। तो क्या हो सकता है, फ़ोन के सरफेस एरिया में हो सकता है। और जब हम कान में फ़ोन लगाते हैं, तो कान में क्या हुआ, यहाँ पे लग गया। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, फिर मुँह में चला जाता है। ठीक है, कान से भी जा सकता है, तो इससे फैल सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, अभी क्या क्या चीज़ करना है, उतना मतलब कोई एंटीडोट तो इसका बना नहीं है। हाँ, कैसे सेफ रहना है तो वो ज़रूर वीडियो देखना, लेकिन हाँ, फ़ोन जैसे हाथ को वॉश कर रहे हैं, फ़ोन को वॉश मत करना, आपका वाटरप्रूफ नहीं होगा तो लग जाएगा। ठीक है, कोई कपड़े से साफ कर लो, और कोई वो मतलब देखो, सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सैवलॉन डेटोल से कोई इसमें भी आके वो साफ कर लो, तो मतलब मन की शांति, और वो वायरस का भी माँ की आँख हो जाए। ठीक है, तो ये है पूरा डिटेल्स। ठीक है, कि ऐसा बताया जा रहा है, मतलब शायद आपके फ़ोन में लगा हो सकता है सरफेस में, तो उसको साफ कर लीजिए, ना कि उसके एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाल के साफ करें, ऐसा नहीं है। हाँ, इसको ऐसे बचना है, क्योंकि वो जिंदा रह सकता है बिना ह्यूमन टेम्परेचर का भी, बिना ह्यूमन बॉडी का भी, 9 दिनों तक बाहर जिंदा रह सकता है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये था मेन एक्चुअल बात, जिसको ऐसे बताया जा रहा था कि भैया डाउनलोड कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको जो ये टॉपिक अच्छा लगा है, और गाइज ये इसको मतलब आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, मतलब रियल इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, वो गलत सलत चीज़ में ना फंसे, तो इसको जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और
इस चैनल के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ऑनलाइन से जुड़ा होता चैनल जिसमें ट्रेनिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।